आज इतनी गर्मी में के अंदर भी आज यहाँ पर आए हैं अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए, अपना आशीर्वाद नवीन मेट्रो के ऊपर और मोटरसाइकिल के ऊपर एक रोड शो करने के लिए, रैली निकालने के लिए। इसके अलावा खेलों के लिए गांव-गांव के अंदर हम ये बनाएंगे, ये बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स सेंटर भी बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स सेंटर बनाएंगे। आप संकल्प पत्र देखेंगे तो हमने युवाओं का बहुत ख्याल रखा है, युवाओं के लिए यहाँ पर मैं दो बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर में बनाऊंगा। साथियों, मैं आपके अंशित अडंग NBC24 के माध्यम से एक बार फिर आप सबके बीच में आ चुकी हूँ। बताना चाहूंगी इस वक्त की बड़ी खबर आपके बीच में साझा करना चाहूंगी। वो व्यक्ति जो हमेशा हवाओं से बातें करता था, वो व्यक्ति जो अपनी कुछ ही दिनों की मील की दूरी भी हवाओं से ही जाता था, हवाओं से ही पार करता था, जो हमेशा हेलीकॉप्टर में जाता था। जी हाँ, जानी मानी हस्ती नवीन जिंदल। जी हाँ, नवीन जिंदल जो कि भाजपा कुशेत्र प्रत्याशी। जी हाँ, भाजपा कुशेत्र प्रत्याशी नवीन जिंदल जी आज आपको बताना चाहूंगी। आज कुशेत्र में डोर टू डोर सर्वे करते दिखाई दिए और बात हजारों की संख्या में युवा किसान यहाँ पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी की को सपोर्ट करने के लिए, अपना समर्थन दिखाने के लिए। और एक यहाँ पर जो है ट्रैक्टरों के ऊपर और मोटरसाइकिल के ऊपर एक रोड शो करने के लिए, रैली निकालने के लिए। मैं सभी युवा किसान भाइयों का, साथियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो आज इतनी गर्मी में के अंदर भी आज यहाँ पर आए हैं अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए, अपना आशीर्वाद नवीन जिंदल को देने के लिए। युवा बड़ा महत्वाकांक्षी है, ठीक है सर, आप संसद में पहुंचेंगे तो युवाओं के लिए सबसे पहले क्या? आप मेरा संकल्प पत्र देखिए, आप संकल्प पत्र देखेंगे तो हमने युवाओं का बहुत ख्याल रखा है, युवाओं के लिए यहाँ पर मैं दो बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर में बनाऊंगा, जिसके अंदर 10,000 बच्चे हर साल प्रशिक्षण पाएंगे और प्रशिक्षण पाकर वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, कई अच्छी कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं, विदेश जाना चाहें तो विदेश जा पाएंगे। इसके अलावा खेलों के लिए गांव-गांव के अंदर हम जिम बनाएंगे, एक बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स सेंटर भी बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स सेंटर बनाएंगे। और स्कूल्स के सभी स्कूलों का जो लेवल है उसमें शिक्षा की गुणवत्ता को हम बेहतर करेंगे और बहुत सी स्कीम्स हैं। आप कृपया जो है मेरा नवीन का आप संकल्प पत्र, कुरुक्षेत्र का जो संकल्प पत्र है आपको आप गहराई से पढ़ें। बताना चाहूंगी कि वहां पर उन्होंने टू व्हीलर वाहन, जी हाँ, आज उन्होंने टू व्हीलर वाहन चलाकर जो है पूरे कुरुक्षेत्र में सर्वे किया। और दिखाना चाहूंगी हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों युवा उनके साथ जुड़े रहे और आज उन्होंने खुद दो पहिया वाहन चलाया और दिखाया कि वो जनता के किस तरह साथ में है। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत और आगे कवरेज के लिए जुड़े रहिए। मैं आपके अंशित अडंग कुशेत्र की इस वक्त की बड़ी रिपोर्ट हरियाणा के कुशेत्र से, अभी के लिए दीजिए इजाजत।